दोस्तों भारत और नीदरलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में विराट कोहली की आखिरी पारी हम लोगों को फिर से देखने को मिली। यहां पर दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने 82 रन बनाए थे, तो इस मैच में ठोक दिए 62 रन। और दोस्तों दो गगनचुंबी छक्के भी हम लोगों को इस मैच में देखने को मिले और 3 चौके भी ग्राउंडेड एकदम से हमको देखने को मिले। विराट कोहली ने अपनी पारी के दौरान दोस्तों नाबाद रहे और नाबाद 62 रनों की पारी खेल डाली 44 गेंदों में। उनका बखूबी साथ निभाया दोस्तों रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने। रोहित शर्मा ने भी दोस्तों इस मैच में 53 रन बनाए और एक शानदार कप्तानी पारी खेली। और सूर्यकुमार यादव भी नॉट आउट रहे विराट कोहली के साथ, उन्होंने 51 रन बनाए 200 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से। उन्होंने भी अपनी पारी के दौरान 7 चौके और 1 छक्का लगाया। एंड की बॉल पर दोस्तों छक्का लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों विराट कोहली वो नाम है जो दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड में वापसी आ गया है। विराट कोहली दोस्तों जब फॉर्म से खो गए थे तो ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली जो वापसी फॉर्म में नहीं आएंगे, लेकिन अब विराट कोहली वापसी फॉर्म में आ गए हैं और अर्धशतक पर अर्धशतक लगा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ खेली मैच विनिंग पारी की बदौलत भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया। और अब नीदरलैंड के खिलाफ भी दोस्तों 62 रनों की पारी खेली विराट कोहली ने, इसके बलबूते और भारतीय टीम 179 रनों पर पहुंच गई और 180 का टारगेट दिया है नीदरलैंड को। अब देखते हैं दोस्तों भारतीय बॉलर किस तरह से इस मैच में बॉलिंग करते हैं और भारतीय टीम को मैच जिता पाते हैं या नहीं। आप लोग इस क्रम में क्या रहा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और वैसे क्रिकेट की खबरों के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।